सेकंड सुनील जी। देखिए जो सतीश जी ने बात की है, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं मिशी, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन मैं क्या पूछ सकता हूं आपके कार्यक्रम में? भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस, आरएसएस का प्रमुख कभी ओबीसी होगा? आरएसएस का प्रमुख कभी एससी होगा? आरएसएस का प्रमुख कभी एसटी होगा? या आरएसएस की प्रमुख कभी कोई महिला होगी? क्या इसका जवाब है किसी के पास? या आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जिसके नाम पर चुनाव लड़ रही, मोदी जी के नाम पर चुनाव है, 2024 मोदी जी के नाम पर लड़ने जा रहे हैं जी, क्या प्रधानमंत्री और किसी को बना देंगे? या क्या कोई कह सकता है? हाँ, हम इस बात को स्वीकार करते हैं जब हम राजनीति कर रहे हैं समाजवादी विचारधारा के, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनके चेहरे पर समाजवादी पार्टी का विधायक, समाजवादी पार्टी का एमपी, समाजवादी पार्टी का सभासद, समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत, जब उनके चेहरे पर चुनाव जीत करके आता है, जब विधायक माननीय अखिलेश जी के चेहरे पर चुनाव जीत करके आएंगे, तो स्वाभाविक है जब सरकार जी, बनेगी जी, तो माननीय अखिलेश जी, वही तो सवाल मैंने उठाया। ओके ओके, सतीश जी कुछ कहना चाह रहे। सतीश जी 30 सेकंड। देखिए, ये किसी भी सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, और इनको ये समझ में नहीं आ रहा है समाजवादी पार्टी वालों को कि ये जमीन खिसक गई इतनी कैसे और खिसकने वाली है। अरे भारतीय जनता पार्टी भी जाति समीकरण की, आपने ही कहा कि वो राजनीति कर रही है, तो आप एकदम भूल जाइए आगे आने वाले समय में आरएसएस में भी ओबीसी एससी और एसटी के प्रमुख होंगे, और जहां जहां आपने नहीं सोचा वहां वहां भी होंगे। मैं कोई बायस्ड आदमी नहीं हूं, ये अमीश जी जानते हैं। मैं जो न्यूट्रल चीज है, जो गति देख रहा हूं, जो मतलब ये सारी चीजें देख रहा हूं, उसके आधार पर कह रहा हूं। लेकिन इतना तय है कि आपके जो परिवारिक पार्टियों का जो एक आरोप आपके ऊपर लगता है, ऐसा नहीं कि बीजेपी नहीं करती है, लेकिन इतना तय है कि आरजेडी और जो समाजवादी पार्टी है, ये कभी बियॉन्ड यादव सोच ही नहीं पा सकते। बियॉन्ड यादव भी एक परिवार, मतलब या तो लालू यादव फैमिली या फिर कहा या, कि पारिवारिक जी, पार्टी जी, है जी, जी, जी। या फिर मुलायम सिंह यादव फैमिली, ये एक एक एक, एक, एक स्पष्ट बात होगी। और क्या वारिस पठान वांट्स टू मेक अ पॉइंट? वारिस पठान 30 सेकंड। वारिस पठान जी, देन तहसीन पूनावाला, आई कम टू यू तहसीन, तहसीन आई कम टू यू, वारिस पठान 30 सेकंड। अब अमीश भाई, मैंने सवाल किया था, मुझे तो जवाब मिला ही नहीं। मैंने तो सवाल ये था, क्या पूरे देश के अंदर भाजपा को तीनों राज्य में कोई हमारी महिला बहन मां नहीं मिली जिसको मुख्यमंत्री बना सकते? जबकि नारी सम्मान की बात करते हैं मोदी जी हर बार, उन्होंने नहीं बनाया। बात नंबर दो, मेरा ये सवाल था कि क्यों शिवराज चौहान या राजे जी को क्यों नहीं बनाया गया? क्या मोदी जी को यह डर है कि सीनियर मोस्ट नेताओं को बनाएगी अगर सीएम, तो कल को उनकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी? बात नंबर तीन, आपको लगता है मोदी जी की खतरे नहीं, आपको लग रहा है नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में है? टिकट नहीं देती तो सीएम का तो चांस ही नहीं आता। आपको उनकी हालत खराब हो जाएगी? मुझे लगा आप पॉलिटिकल आदमी हैं, आप इतनी प्रैक्टिकल बात ही बोलेंगे। आपको लगता है मोदी की कुर्सी खतरे में? बहुत, अरे प्रैक्टिकल बीजेपी में। अमीश भाई हंस के बात मत टालो, आपको भी पता है क्यों नहीं बनाया। चलो क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया शिवराज चौहान को? चलो जवाब, चलिए मैं बीजेपी से जवाब दूंगा तो बायस जवाब हो जाएगा। लेकिन 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 अरे आप तो बीजेपी के हो ना, ये तो सोच रहा है, ये तो सोच रहा है ये तो सोच रहा है कि मोदी की कुर्सी खतरे में है। एक सेकंड, मैं बीजेपी से जवाब दिलवा रहा हूं आपको, लेकिन सतीश बनाया, मेरे सवाल का जवाब मुझे चाहिए, क्यों नहीं बनाया दोनों को, क्यों नहीं बनाया? ठीक है, मैं बिल्कुल जवाब मिलेगा, आप बीजेपी जवाब देगी, बीजेपी जवाब देगी आपको। सतीश, आप भी आईएमआई में ओवैसी जी से बाहर कुछ नेता होता बनाएंगे मोदी की कुर्सी खतरे में? मोदी जी, अरे मैं कह रहा हूँ मोदी जी तो ऐसे व्यक्ति हैं जिससे कुर्सी को खतरा हो सकता है, मोदी को कोई खतरा नहीं होगा। मोदी की कुर्सी की तो बड़ी छोटी बात कर रहे हैं। वाह, पत्रकार हो आप भी बीजेपी में? अमीश भाई बीजेपी में, अजय आलू भी मेरे सवाल का जवाब चाहिए भाई मेरे को, क्यों नहीं बनाया? ओके ओके, ओके डॉक्टर अजय आलू, आप दो क्यों नहीं बनाया? क्या वो इस काबिल नहीं थे? सतीश जी, इस काबिल नहीं थे क्या? ये काबिल नहीं थे बनने के? एक सेकंड, एक सवाल, 24 दिन में कितने सपोर्टर आपको मिले? एक सेकंड, जवाब लेते हैं। अरे भाई बीच में मत बोलिए, वाला छोड़ दीजिए हल्ला गुल्ला करना जी। 24 दिन में मैं घूमा हूँ करीब 200-250 लोगों से, 200-250 के लोगों के बीच, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के लिए ऐतिहासिक जनादेश है।
आ रहा है। राहुल गांधी का कोई प्रशंसक मुझे नहीं मिला, या हो सकता हूं मैं बाजू जो हमसे नहीं बात कर रहे हो, लेकिन ट्रेन से लेके, हवाई जहाज से लेके, गांव से लेके, तहसील से लेकर के, सड़क से लेकर के, मैं सब जगह की बात कर रहा हूं, शादी विवाह सब की एकदम एक तरफा, मोदी की कहे, हिंदुत्व की कहे, राम मंदिर की कहे, और जिसकी भी कहे, वो सब लहर भाजपा के पक्ष में है। बिहार में नीतीश जी का भी कोई प्रशंसक मुझे नहीं मिला, हाँ तेजस्वी यादव का जरूर मिला, और उत्तर प्रदेश में हालांकि योगी जी है वहां पे, लेकिन तमाम लोग आप जो भी कहे एकदम, मैं तो सही बोल रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं उन बाकियों से, एकदम एक सच्चाई बोलूंगा क्यों नहीं बोला, सवाल का जवाब दो। जी 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 डिबेट ओके डॉक्टर अजय लोग जो वारिस पठान कह रहे हैं कि ओके वारिस पठान की बात का जवाब, डॉक्टर अजय लोग जन तहसीन पूना नहीं बनाया क्या, शिवराज सिंह चौहान वारिस पठान, अजय सुनिए, अरे सुनिए वारिस भाई।